रिलेटेड कीवर्ड्स फ्रॉम मेडिवल इंडिया, सो आई थॉट कि वी शुड हैव समथिंग ऑन पॉलिटी फ्रॉम मेडिवल इंडिया. ठीक है, तो वील डू टू थिंग्स मेजरली. फर्स्ट इज कि किसने क्या चीजें स्टार्ट करी, एंड सेकेंड कि व्हाट वाज प्रोविंसेस एंड डिफरेंट रीजन्स वर कॉल्ड इन डिफरेंट एरियाज ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम. ठीक है, सो मेडिवल से हम वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, सल्तनत पीरियड से. तो व्हाट वाज इक्ता, इक्ता गाइस, इक्ता. इक्तेदारी सिस्टम है, तो लैंड्स पर डिवाइडेड. हाँ, ये इल्तुतमिश ने शुरू किया था इक्तादारी सिस्टम. उसमें तीन लैंड्स थे, खलीसा, इक्ता और इनाम या वजीफा. तो इक्ता को जो थे, खलीसा जो था वो एक रॉयल लैंड था, मतलब वो उसका सारा रेवेन्यू किंग के पास जाता था, लेकिन जो इक्ता का था वो इक्तादार्स कलेक्ट करते थे. हाँ, मतलब आप दोनों ने सही से बता दिया. तो इक्ता जो था ना, इक्ता वाज प्रोविंस इन दिल्ली सल्तनत पीरियड एंड वाज हेडेड बाय इक्तादार. तो सिंपल है, क्लियर है. फिर इसी का इवोल्यूशन हुआ, देन केम इक्ता टर्न्ड इटसेल्फ इनटू जागीर, है ना. तो जागीर जो थी, मतलब प्रोविंस भी नहीं बोल सकते, तो पर एक टेरिटरी हो जाती थी और जिसका रेवेन्यू कलेक्शन होता था जागीरदार के द्वारा. ठीक है, जागीर से जागीरदार. ठीक है, अब इट कंटेम्पररी है ना, तो दिस सिस्टम इन डेक्कन वाज कॉल्ड मिरासतदार्स. एकता का पैदल ही जागीर, एकता के पैदल ही था मिरासतदार्स इन डेक्कन एरिया. फॉर ऑल दोज हु डोंट नो डेक्कन, तो अभी वाला जो महाराष्ट्र और कर्नाटका, अहमदनगर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, सतवाना, सब कुछ जो है ना, दैट इज डेक्कन रीजन. ठीक है, तो दिस वॉज कॉल्ड मिरासतदार्स. एंड यहाँ पे रिमेम्बर करना कि मिरासतदार वॉज द रीजन एंड इट वॉज हेडेड बाय बुल्टेदार. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस, है ना. तो बुल्टेदार. ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत के कंटेम्प्रेरी में डेक्कन में ये था. मुगल्स के कंटेम्प्रेरी में डेक्कन में मराठास आ गए थे, तो मराठास ने स्टार्ट करा सरंजम. दे कॉल्ड देम सरंजम्स, है ना. एंड दैट सरंजम वाज हेडेड बाय द हवलदार्स. ठीक है, हवलदार्स. मेरी आवाज आ रही होगी ना सभी को. हाँ, यस सर. जी, तो ठीक है. तो दिल्ली सल्तनत के पैरेलल में, डेक्कन में मिरासतदार, इक्ता के पैरेलल में मिरासतदार, मुगल्स आए, मुगल्स के पैरेलल में मराठा इन डेक्कन में आए, तो मुगल्स के जागीर और यहाँ पे सरंजम. अच्छा, मुगल्स में एक और टर्म आती है सूबेदार. ठीक है, तो दे कॉल्ड प्रोविंस एज सूबा, जो इस साल 2021 में आया, पीवाई इस साल 2021 में ही आया. तो सूबा है ना, तो सूबा होता था और सूबेदार बोलते थे वो. ठीक है, और मराठा में दे कॉल्ड सरंजम एंड इट वॉज हेडेड बाय द हवलदार्स. नाउ इन विजयनगर, मतलब इन्हीं के कंटेम्पररी, मुगल के कंटेम्पररी मराठा और इन्हीं के कंटेम्पररी विजयनगर सिस्टम, विजयनगर किंगडम में, वहां पे दे हैव दी अयगार्स, है ना, और दैट वाज रूल्ड बाय दी नायक्स. ठीक है, अब मैंने पांच सिस्टम बता दिए पैरेलली. तो दिल्ली सल्तनत में एकता, एकता के पैरेलल डेक्कन में मीरासतदार, एकता हेड होता था इक्तादार, मीरासतदार हेडेड बाय बुलतेदार, बुलटेदार, बुलट वाला. फिर मुगल्स, मुगल्स में जागीर, सूबेदार, सूबा एंड जागीरदार एंड सूबेदार. कंटेम्प्रेरी में मराठा में सरंजम, सरंजम वाज हेडेड बाय हवलदार्स. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हवलदार दूसरे सेंस में ही स्टार्ट कर दिया था. डोंट गेट कंफ्यूज. एंड विजयनगर, आयगार्स एंड नायक्स. ठीक है, नायक जो उसके हेड थे. ठीक है, अब जो मराठा सिस्टम था ना, तो इसमें फर्दर छोटे छोटे ऑफिसर्स होते थे. तो किसी एक एरिया में सरंजम वॉज द रीजन हेडेड बाय द हवलदार्स, तो इसमें तीन चार चीजें होती थी. जैसे देशमुख्स, तो देशमुख्स वेर चौधरीज और दी जमींदार्स, है ना. देश पांडे, तो देश पांडे, अभी जो ये सब सरनेम्स है अभी प्रेजेंट में, तो एट दैट टाइम दे वर दी ऑफिसर्स. तो देश पांडे वेर दी क्लर्क्स. एंड द थर्ड वन इज कुलकर्णी, तो कुलकर्णी इज वेर दी अकाउंटेंट. ठीक है,
चलो, दिस वाज मतलब मेन मेन थिंग इन द एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैं पूछूंगा और आप लोग सब रिप्लाई कर देना, तो मुझे आ जाएगा कि हाँ आप लोगों का आ गया है। तो बताओ, बुलटेदार किस रीजन में होता था? जागीरदार। ओके, एनीवन एल्स? डेकन डेकन एरिया, शिवाजी मराठा उस टाइम में थी। ओके ओके, एनीवन एल्स? तो भाई आप दोनों बोल रहे हैं ना। मुगल के कंटेम्प्रेरी में, डेक्कन में। हाँ, तो आप मतलब पहुंच ही गए थे, तो दिल्ली सल्तनत के कंटेम्पररी में डेक्कन में था ये ना, दिल्ली सल्तनत के कंटेम्पररी में। और दैट वाज मीरासत दार्स। यू गाइस पीपल कंफ्यूज विद मुगल्स, दैट वाज मीरासत दार्स है ना, इन डक्कन रीजन। तो दैट वाज हेडेड बाय बुलटेदार, यही सबसे कंफ्यूजिंग था, बाकी तो इतना इक्तेदार तो सब गैस कर सकते हैं। फिर एक और बताओ कि सरंजम सिस्टम किसका था? ये कंटेम्परेरी था, उसमें दिल हाँ, ये बिल्कुल सही बताया आपने, ये मुगल्स के कंटेम्पररी था। एंड मराठा मराठा स्टार्टेड द सरंजम सरंजम सिस्टम। ठीक है, यही दो थे बाकी कंफ्यूजिंग। बाकी जागीर से तो जागीरदार, सूबे से सूबेदार, इक्ता से इक्तेदार। ठीक है, और विजयनगर में हमको सबको पता है आइगार सो नायक्स। ठीक है, अब तीन मैं ऑफिसर्स बताऊंगा, उनके नाम बता रहा हूँ मैं, आप पोस्ट बताना इनकी क्या थे ये। तो कुलकर्णी कुलकर्णी, चलो ऑप्शंस दे देता हूँ। तो कुलकर्णी इज वेल थी फर्स्ट चौधरी, सेकंड करकुन, थर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट। यस करेक्ट, तो कुलकर्णी इज वेल थी अकाउंटेंट्स। अब एक और है देशमुख, हु वर दी देशमुख, दी क्लर्क्स और दी जमींदार्स? जमींदार। ओके ओके यस, तो देशमुख वर दी जमींदार्स, कुलकर्णी इज वर दी अकाउंटेंट्स, एंड दे हैड दी क्लर्क्स, दे वर कॉल्ड एज देश पांडे। ऑलराइट, तो ये कुछ टर्म्स हो गए। अब ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, अब अपन वो देखते हैं किसने क्या स्टार्ट करवाया था विद रिस्पेक्ट टू आर्किटेक्चर। ठीक है, तो जो टॉम्ब होता है ना उसमें, या फिर जो इस्लामिक आर्किटेक्चर होता है उसमें होता है एक चीज, दैट इज कॉल्ड ट्रू आर्क। आर्क पता होगा ना सबको, जो सी शेप में होता है सर रखा हुआ। तो जो ट्रू आर्क है ना, वो सबसे पहले दैट वाज फाउंड इन हूज टॉम्ब? एनी गेसेस? ही वाज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ओके, तो मैं बता देता हूँ, दैट वाज बलबन। तो बलबन का जो टोम है ना, उसमें वी फाइंड द फर्स्ट ट्रू आर्क, और जो है ना अभी भी सस्पेंडेड है फ्री एनवायरनमेंट में, इस पे छत नहीं है अभी भी। ठीक है, तो पहला है ट्रू आर्क। दूसरा कि सबसे पहले फॉल्स डोम डोम कहाँ मिला था? तो दिस इज अलाई दरवाजा, दिस इज अलाई दरवाजा। अब यू कैन गेस कि अलाई दरवाजा किसके लिए था? अलाउद्दीन खिलजी का है, नियर बाय द कुतुब मीनार, मतलब नेक्स्ट उसका गेट पे ही है वो अलाई दरवाजा। जी जी करेक्ट। हाँ, तो ये वो कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स था उसको उसने कवर करवा के एक एंट्रेंस बनवाई थी, दैट और एंट्रेंस थी अलाई दरवाजा के थ्रू, है ना। तो इसमें फॉल्स डोम है और वहां पे सिंगल डोम मिलता है। मतलब डोम फॉल्स क्यों है? क्योंकि छत बना दी और उसके ऊपर फॉल्स डोम बना दी। ट्रू डोम कौन सी होती है? जो नीचे से अंदर से देखे तो कर्व दिखता है, तो ये फॉल्स डोम है कि नीचे खड़े होंगे तो वहां पे आपको फ्लैट सरफेस दिखेगा। ठीक है, अब एक दिल्ली सल्तनत के एक रूलर थे जिन्होंने अपने आर्किटेक्चर्स में अमलक बनवाया था। वी रिमेम्बर ना अमलक, जो मंदिर के विमान और शिखर के ऊपर उल्टा उल्टा बना हुआ होता था, जो टॉप में होता था, दैट वाज अमलक। तो दी फर्स्ट रूलर इन दिल्ली सल्तनत हु यूज्ड अमलक, दैट वाज गयासुद्दीन तुगलक।
ना। और इसने एक और चीज स्टार्ट करवाई थी कि सबसे पहली बार किसी गार्डन में टोम लगाना। डोंट गेट कंफ्यूज विद बाबर, ओके। सो दिस वॉज गयासुद्दीन तुगलक। अभी भी गूगल पे देखेंगे ना, मैप पे सर्च करके, तो विल फाइंड, क्योंकि इसका जो गार्डन में बना रखा है। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, अब फोर्थ चीज देख लेते हैं कि एक और होती है स्क्विंचेस, है ना। तो अपने क्या होता है कि अभी आर्किटेक्चर बनाते हैं तो हम पिलर लगाते हैं, एक पिलर हॉरिजॉन्टली लगाते हैं और उसके ऊपर हम एक वर्टिकल पिलर रख देते हैं और फिर छत डाल देते हैं। तो स्क्विंचेस क्या होता है कि एक एक पिलर लो जो हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं और वो ऊपर जाके ऐसा टी शेप बनाएगा। टी शेप भी एक ऐसा आर्केच में, कि एक अंडा लो, एक एग को लो और उसको 1/3 में, 3 हिस्सों में काट दो, तो जो 1/3 बचेगा ना, दैट इज द स्क्विंचेस। आ रहा है समझ में जैसा मैं बता रहा हूँ? ठीक है, तो स्क्विंचेस वॉज फर्स्ट यूज कहाँ कहाँ पे फर्स्ट यूज हुआ था स्क्विंचेस का? तो इन इंडिया ना सबसे बड़ी डोम जो है, सबसे बड़ा टोम जो बना रखा है, तो दैट इज इन गोल गुम्बस। तो गोल गुम्बस को सपोर्ट करने के लिए स्क्विंचेस वर डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले इंडिया में स्क्विंचेस वॉज यूज इन गोल गुम्बस। और गोल गुम्बस तो मैंने अभी एमईएमएल ने बताया था, दैट इज इन बीजापुर बाय सुल्तान आदिल शाह। ठीक है, अब एक टर्म है मेहराब। डू यू गाइज नो वॉट इज मेहराब? ठीक है, तो जो एंट्रेंस होती है ना किसी भी इस्लामिक आर्किटेक्चर में, तो दैट इज द मेहराब एरिया, जो जहाँ से घुसते हैं। जैसे हम सांची में स्तूप देखेंगे तो हमको वहां पे तोरण्स दिखेंगे, राइट, जिस पे जतक स्टोरीज बनी है, तो यहाँ पे हमको मेहराब मिलेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में इसमें व्हाइट मार्बल यूज होता था और डक्कन में इसमें ब्लैक ग्रेनाइट यूज होता था। ठीक है, और अब लास्ट है इसमें गुजरात स्टाइल। तो रिमेम्बर गुजरात स्टाइल में ना दे यूज टिम्बर, टिम्बर विथ स्टोन्स। तो स्टोन्स में दे यूज टिम्बर। और इससे पहले सेशन में देखा कि जाली वॉज यूज, तो जाली वॉज ऑल्सो यूज इन द गुजरात स्टाइल। ठीक है, सो दिस वॉज इट, जो जिसका पहला था आर्किटेक्चर में विद रिस्पेक्ट टू दिस। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ शॉर्ट में, एंड देन वी कैन कंक्लूड। तो पहला टॉम ट्रू आर्क वाला वॉज ऑफ बल्बन। फिर सबसे पहले फॉल्स टोम कहाँ था? तो दैट वाज इन अलाई दरवाजा बाय अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा था कि कौन से सल्तनत के किंग ने अमलक यूज करा था? तो दैट वाज गयासुद्दीन तुगलक, है ना। एंड स्क्विंचेस सबसे पहले यूज हुई थी बीजापुर गोलकोंड में, गोल गुम्बज में। एंड लास्ट है गुजरात स्टाइल, तो इसमें टिम्बर की यूज होता है। ठीक है, तो दिस वॉज इट, इसके लिए सेशन करना था। आई थिंक एमेबल, सॉरी अकम्प्लिश, इफ यू वॉन्ट टू ऐड समथिंग प्लीज ऐड ऑन, अदरवाइज वी कैन कम्प्लीट द सेशन। You have like added everything like sorry. What we'll do is whatever is left will be tried to cover in next session. Okay. ओके, सो आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए।